हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम कर रहे थे एसएसटी के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। इसमें हमने पहले कुछ वीडियोस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को किया है, आज हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को जो कि सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। तो अर्थ जो मूवमेंट करती है सन के अराउंड, उसको क्या बोला जाता है? तो हमारी जो अर्थ होती है, मान लीजिए ये सन है और यहाँ पर है अर्थ, अर्थ है ये, तो इसके चारों ओर ये मूवमेंट करती है कुछ इस तरह से, तो इसको क्या बोला जाएगा? किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है परिक्रमा। इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर अगर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलेंगे परिक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वैसे तो आप इन दोनों ऑप्शंस को तो आप एलिमिनेट पहले ही कर देंगे, आपको कंफ्यूजन रहेगा स्टार्टिंग के दो ऑप्शंस में। तो जो ये स्टार्टिंग के ऑप्शंस हैं, इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट में कराया हुआ है, इसमें मैंने घूर्णन और परिक्रमण में डिफरेंस बताया हुआ है। घूर्णन होता है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, उसे कहते हैं घूर्णन काल। लेकिन जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसके कारण सीजन बदलता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ इस तरह से घूमती है, तो इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन, परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो ये है पृथ्वी दिन कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो पृथ्वी का दिन मतलब पृथ्वी दिन से आप समझ सकते हैं जो पृथ्वी का एक दिन होता है, मतलब 24 आवर्स का जो पीरियड होता है हमारी पृथ्वी पर, वो पृथ्वी दिन माना जाता है। और वो कब होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का टाइम लेती है, उसको हम बोलते हैं अर्थ डे, पृथ्वी दिन। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमने में लिया गया समय हो जाएगा पृथ्वी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में पूछा गया था। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा मैंने बता दी है आपको, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर पूरा करती है एक बार में, उसमें जो समय लगता है 24 आवर्स का टाइम लगता है उसमें, और उसी को बोला जाता है पृथ्वी दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। जुलाई 2013 में पूछा गया था, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर घूमती है ये बताना है। तो इसमें आ जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर, इसको तो आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फरवरी 2015 में पूछा गया था, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। वैसे तो मैंने ये पहले वीडियो में कराया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देती हूँ मैं यहाँ पर। अगर सीधी लाइन की बात करें तो ये होती है हमारी, लेकिन हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, वो 23 डिग्री इस तरह से झुकी हुई है, ये यहाँ से देखिए तो 23 डिग्री का एंगल बन जाता है ये वाला, तो ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर हम कोण की बात करें, एंगल की बात करें, तो एंगल हम मापते हैं यहाँ से, ये होता है ऑर्बिटर प्लेन कक्षीय समतल पृथ्वी का, यहाँ से हम माप करते हैं जो भी कोण हम नापते हैं। तो यहाँ से हम अगर लंबवत देखें, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको अगर हम देखें, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल ये वाला हो जाएगा। और अगर हम इसमें से 23.5 डिग्री इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा बचेगा 65.5 डिग्री, ये वाला जो एंगल बचेगा ये आपका बनेगा 65.5 डिग्री। तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल पूछा गया है कि ये कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, तो कक्षीय समतल पर जो मैंने आपको बताया था, ये कक्षीय समतल है और यहाँ से एंगल ये जो बनेगा 23.5 डिग्री वाला, इसको हम बोलेंगे, इसको हमें बताना है अक्ष का जो झुकाव है उसका कोण क्या है, उसका कोण होगा आपका 65.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, 23.5 डिग्री लगा देंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसका कोण पूछा है कक्षीय समतल पर झुका होगा, कक्षीय समतल से कोण पूछा है इसका। कक्षीय समतल ये हो गया ऑर्बिटल प्लेन, और यहाँ से ये एंगल बनाएगा 65.5 डिग्री। सो आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 2014 में पूछा गया था, तो प्रदीप्ति व्रत क्या है। जो ग्लोब पर, ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है, विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक विशेष मध्यान्ह रेखा पर दोपहर 12 बजे। तो इसमें होगा आपका, देख लेते हैं इसको एक बार डायग्राम के थ्रू। तो ये जो हमारी पृथ्वी ये इस तरह से झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब जहाँ पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, अब जैसे इधर से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पर दिन होगा, और जो अपोजिट में होगा ये वाला वहाँ पर अंधेरा होगा, मतलब रात होगी। तो ये जो हमारी लाइन है जो पृथ्वी को दिन रात में विभाजित करता है, इसको बोलते हैं हम प्रदीप्ति व्रत। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, और ये हम देखते हैं ग्लोब पर, तो व्रत जो ग्लोब पर दिन और दिन को रात से विभाजित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में पूछा गया था, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है। तो अक्षांश के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है मेरे ज्योग्राफी के वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो इसके इनकी अगर बात करें, तो एक बार पृथ्वी पर इसको समझ लेते हैं, जैसे इस तरह से पृथ्वी है और बीच से जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, मतलब विषुवत रेखा, ये वाली रेखा हो गई भूमध्य रेखा, बीच वाली। अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री की एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा।
और इसके नीचे 23.5 डिग्री होती है भूमध्य रेखा से, वो होती है मकर रेखा, मकर व्रत। आर्कटिक व्रत होता है आपका ऊपर यहाँ पर, और नीचे होता है आपका अंटार्कटिक व्रत। सो हमसे क्या पूछा है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो वो जा रही है यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जा रही है कर्क रेखा। और यही रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, तो लगभग ये लोकेशन होती है हमारी, हमारा जो भारत है वो यहाँ पर अवस्थिति है उसकी लगभग। तो ये कर्क रेखा भारत को बीच से काट के जाती है। डायग्राम में देख लेते हैं, कर्क रेखा की बात करें तो वो ये यह है यहाँ पर आपकी, ये पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं या फिर संख्या पूछ ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2012 में पूछा गया था, भारत की मानक देशांतर है। तो मानक देशांतर का वैसे तो आपको पता ही होगा, जो हमारी ये वैसे देशांतर रेखा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो इसका आंसर तो होगा आपका फर्स्ट। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ज्योग्राफी में देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेसिक सी जानकारी दे देती हूँ। पृथ्वी पर इस तरह से लाइनें खींची हुई होती हैं लंबवत, या फिर आप कह सकते हैं इनको वर्टिकल लाइंस, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती हैं ये, लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो इसमें एक लाइन होती है जो हमारे भारत में, हमारे भारत में नहीं, वो तो हमने खुद बनाई है ये वाली। तो ये लगभग, ये काफ़ी सारी लाइनें हैं। तो जो रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है उसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ये ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है, इसलिए इसके साथ पूर्व हम लगाते हैं, ईस्ट लगाते हैं। और ये क्या है, ये हमारी मानक समय रेखा है। जो हमारा देश है उसका क्षेत्रफल चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें क्या था कि समय का लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था ईस्ट से लेकर वेस्ट में। तो उसके लिए, टाइम में ज़्यादा डिफरेंस ना हो उसके लिए मानक समय रेखा बनाई गई, जो कि ये लगभग भारत के बीच से जा रही है। इसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम होता है वो पूरे भारत में मान्य होता है। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो ये रही आपकी मानक रेखा, मानक समय रेखा। तो इसके यहाँ पर जो भी टाइम होगा वो आपका पूरे इंडिया में मान्य होगा, उसी के अकॉर्डिंग टाइम फॉलो होगा। ये इसलिए बनाई गई है जिससे टाइम का डिफरेंस ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पर अगर ये टाइम, ये वाला टाइम अगर मान्य होगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों जगह के टाइम में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अगर ये नहीं होती लाइन, तो ये हमारा मानक समय अगर हमने डिसाइड नहीं किया होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में हमें 2 घंटे लगते, मतलब 2 घंटे नहीं लगते, 2 घंटे का टाइम लगता है यहाँ से प्रकाश को गुजरने में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 घंटे पहले सुबह हो जाएगी और यहाँ पर 2 घंटे लेट हो जाएगी, तो इसका मतलब काम में भी कुछ परेशानी आएंगी इसकी वजह से। तो इसीलिए एक ही मानक समय रखा है, उसके अकॉर्डिंग सभी मानते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है। तो बिग बियर एक उदाहरण है नक्षत्र मंडल का। नक्षत्र मंडल क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है,
तारों का एक समूह होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तारा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इनको अगर मिला देंगे तो ये एक संरचना बन जाएगी कुछ भी। जैसे आपने सप्तर्षि तारे देखे होंगे, सात तारे होते हैं एक जगह, कुछ इस तरह से बने होते हैं ना, तो एक संरचना सी बन जाती है। कोई भी संरचना बना लेते हैं, तारे पास पास अगर होते हैं, बहुत काफ़ी सारे तारे मिलकर बना लेते हैं, तो उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनवरी 2012 में आया था। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो गैसीय प्लैनेट्स कौन से हैं वो बताना है हमें। तो अगर अपने प्लैनेट की जानकारी आपको है, तो प्लैनेट आपके आठ होते हैं। मान लीजिए सूर्य है, और यहाँ पर हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर एक पेटी है, छोटे छोटे ग्रहों की पेटी है यहाँ पर। इसके बाद और चार ग्रह होते हैं। तो ये वाले जो ग्रह हैं आपके, ये होते हैं बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह भी होते हैं ये। ये होते हैं आंतरिक ग्रह, और ये होते हैं आपके चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। तो बाहरी जो ग्रह होते हैं वो होते हैं आपके गैसीय ग्रह। तो इसमें हमसे ग्रह गैसीय ग्रह ही पूछा है, और हम जानते हैं कि गैसीय ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार इसमें भी डायग्राम में देख सकते हैं आप, देखिए जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये चारों ग्रह हो जाएंगे आपके गैसीय ग्रह। इनके चारों ओर छल्ले भी बने होते हैं, वलय बने होते हैं, और ये एस्ट्रोइड बेल्ट होती है। ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं, इनकी बेल्ट होती है, ये एस्ट्रोइड बेल्ट बोलते हैं इसे। ये वाली कूपर बेल्ट कहलाती है। दोनों बेल्ट के ऊपर क्वेश्चन करा गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रह से ही है। तो इसमें पूछा गया है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे बाहरी ग्रह हैं, जो गैसीय ग्रह हैं, उनके चारों ओर हमारे छल्ले हैं, रिंग्स हैं, या फिर वलय बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसमें थे हमारे? तो मंगल तो आंतरिक में आ जाएगा, ये ऑप्शन रोंग हो जाएगा, ये शुक्र भी रोंग हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन है, पृथ्वी को भूआब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? तो जियोइड शेप में के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है पृथ्वी को? जियोइड शेप कौन सी होती है, भूआब शेप कौन सी होती है? वो होती है आपकी, जैसे पृथ्वी जो आपके पोल हैं ऊपर, ध्रुव हैं, ये यहाँ पर पोल है आपके हैं, ध्रुव हैं। तो यहाँ से पृथ्वी थोड़ी चपटी है, और यहाँ से थोड़ी उभरी हुई है। तो जो चपटी शेप है, इसको हम बोलते हैं भूआभाकृति। तो इसमें अगर ऐसा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जैसे फर्स्ट में ही दिया हुआ है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो आकार के अकॉर्डिंग, आकार के हिसाब से इसको भूआब बोला गया है पृथ्वी को। तो न अधिक गर्म है न ठंडी है, ये तो गलत हो जाएगा। जल से ढकी है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इनके आधार पर भूआब नहीं कहा गया है, बल्कि पृथ्वी को उसकी आकृति के हिसाब से भूआब कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2011 में पूछा गया था। तो इसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सैड अबाउट अवर प्लैनेट अर्थ? तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, तो इट इज़ ए परफेक्ट स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला, परफेक्ट गोल है पृथ्वी। तो क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी हमारी थोड़ी चपटी है,
और थोड़ी गोल है, तो हम इसे पूरी तरह गोल नहीं कह सकते। तो ये वाला आंसर, ये वाली बात हम नहीं कह सकते पृथ्वी के बारे में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें रॉन्ग ही पूछा है, मतलब क्या नहीं कहा जा सकता पृथ्वी के बारे में, तो यही नहीं कहा जा सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब तो पृथ्वी के बारे में हम कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं पृथ्वी को। इट हैज़ ए बल्ज इन द मिडल, उभरी हुई है बीच से, ये भी हम जानते हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्न एट द पोल, तो पोल पर ये थोड़ी चपटी है, ये भी हम जानते हैं। तो ये गलत होगा, और गलत ही इसमें पूछा है, तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो पृथ्वी की जो परतें हैं उनको हमें क्रम से लगाना है। तो पृथ्वी की जो परतें हैं, सबसे पहले आपकी आती है आंतरिक, मतलब सबसे अंदर वाली जो परत होती है, मतलब मान लीजिए ये वाली परत है आपकी, ये होती है आंतरिक। तो आंतरिक आएगा तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे दो ऑप्शन। तो बचेंगे हमारे बीच वाले दो, इनमें से हमें देखना है। तो अगर हम देखें परपटी, परपटी या आपको ध्यान होगी तो परपटी होती है हमारी सबसे ऊपर वाली परत, वो परपटी भी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से हम करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको बीच के ऑप्शन भी ध्यान नहीं है तो आप इससे पता लगा सकते हैं। तो सबसे ऊपर होती है आपकी परपटी, ये वाली हो जाएगी मेंटल, और थर्ड नंबर पे हो जाएगी बाहरी कोड क्रोड, और आंतरिक क्रोड हो जाएगी आपकी लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो ये था हमारा आज का वीडियो, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। इसके ज्योग्राफी के मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, ये मैं आपके 2011 से लेकर 2019 तक के सभी SST के क्वेश्चंस कराऊंगी। हिस्ट्री की भी सीरीज़ हमारी चल रही है, और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो था, बाकी सीरीज़ भी आएंगी इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन मिल जाएं आपको।